8-10 ही लगेगा। इस समय हम लोग जा रहे हैं रुपेश भाई के पास। रुपेश भाई ने मेरे लिए एक गिफ्ट मंगाया हुआ है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और सामने इस समय आपको दिखाई दे रही होगी एक एम्बुलेंस। आपको मैं बताना चाहूँ, एम्बुलेंस जिस समय भी जहाँ भी जैसे भी है वो इमरजेंसी की सिचुएशन ही है, इस बात को पूरी तरह ध्यान रखें। और वो किसी भी हालत में है उसे जाने के लिए रास्ता ज़रूर दे दें। हो सकता है वो उतनी इमरजेंसी में ना हो, खाली हो, इट डजंट मीन, बट उसको हर हालत में आपको रास्ता देना ही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। किसी भी हालत में एम्बुलेंस के रास्ते में ना आए, फायर ब्रिगेड के रास्ते में ना आए। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत इमरजेंसी की सर्विसेज हैं। अगर आपको ये रोड पे दिखाई दे रही हैं चलती हुई, तो ये मान के चलिए कि ये इमरजेंसी में ही जा रही हैं और किसी ना किसी की आप इसको रास्ता देने से जान बचा लेंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। आई डोंट नो आपको कितनी आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसका सायरन भी बज रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें ये चीज़ सुनाई नहीं देती और ना समझ में आती है। अभी बीच में देखा आपने, एक कार वाला मोड़ रहा था गाड़ी, बट उसको अगर सायरन सुनाई दे रहा था तो उसको अपनी जगह रुक जाके उसके निकलने के बाद आगे क्रॉस करना चाहिए था। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, पता नहीं लोग इस बात को कब समझेंगे। मुझे कुछ भी मतलब अजीब ही लगता है ये चीज़ें जब भी होती हैं। फिलहाल हम यहाँ से अपना रास्ता काट रहे हैं और रुपेश भाई के घर की तरफ निकलेंगे, शॉप की तरफ सॉरी। रुपेश भाई ने हमारे लिए गिफ्ट मंगाया है और उस गिफ्ट को हम अनबॉक्स करेंगे। ये पूरा एरिया है हेरिटेज वॉक का, एक खूबसूरत जगह। सामने आपका धूमी गेट, होली बराबर से मन रही है भाई। भाई लोग, ये है रुपेश भैया की शॉप, शिवम चिकन उद्योग, बिल्कुल चौक के अंदर है। आर्यन है ये सामने, ये इनका मेन वो है, जे बेकर्स है। तो यहीं पे आपको चिकन के सामान के लिए भी यहाँ आना हो तो आ सकते हैं। रुपेश भाई के पास सब कुछ बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। अब हम अंदर आ गए हैं रुपेश भाई का, तो ये है हमने रुपेश भैया। हाँ जी, और इन्होंने मेरे लिए लॉन्ग टाइम, हाँ इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट मंगाया है। हाँ। आज मैं उसी को लेने आया हुआ हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको, बढ़िया सी चीज। ओह माय गॉड, जबरदस्त। रुपेश भैया ने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। ये है V6 V-Net फोन, V6 ब्लूटूथ इंटरकॉम। वाह, तो रुपेश भैया थैंक यू वेरी मच इसके मंगाने के लिए आपका। आपने इंस्टॉल कर लिया? नहीं, अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मेरे को कल परसों दो दिन छुट्टी मिलेगी। ओके, इसमें क्या क्या है? सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ मेरे को जो देखनी थी वो ये है, और ये वाकई में बहुत खतरनाक चीज़ है। भाई लोग, जो भी गाड़ी की चाबी खोजा चलेगा, जो भी इसे ले रहे हैं इसको खोने के लिए ध्यान रखिएगा। ये है USB 3.5 mm, ये जल्दी मिलता नहीं है, ये मिलेगा नहीं। अडैप्टर नहीं दे रहे हैं ये लोग चार्जिंग के लिए। हाँ, अडैप्टर नहीं है चार्जिंग के लिए है ये। हाँ, अडैप्टर नहीं दे रहे हैं लेकिन खाली केबल दे रहे हैं। और एक ये हेलमेट माउंट है, ये हेलमेट माउंट है, ये अपना डिवाइस है। ये हेलमेट माउंट 3 mm से चिपकेगा। हेलमेट माउंट यहाँ पे लगेगा आपका, इस तरफ। ये बाहर रहेगा? नहीं, ये बाहर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा। हाँ, दिखाइए, ये बाहर रहेगा तभी ये इसमें ऐसे फिट होगा। यस, तो भाई लोग ये अंदर जाएगा और इसके अंदर ये जो दो एलेंकी बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एलेंकी से टाइट होके BTS2 से बेटर है ये माउंट, क्योंकि BTS2 में आपको वेलक्रो से सपोर्ट दिया होता है। ओके, और वेलक्रो लंबे टाइम में खराब हो जाता है। मजबूत वो भी रहता है लेकिन वेलक्रो थोड़ा वेयर एंड टेयर होने का डर। हाँ, ये आपका फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ग्रो और आराम से निकाल के चार्जिंग भी कर सकते हैं, हेलमेट ले जाने की जरूरत नहीं है।
मुझे इसका जो ये बिल्ड क्वालिटी लगा वो S2 से बेटर लगा। मेरे पास पहले BT S2 था, वो खराब हो गया। पूरा कॉम्पैक्ट सा है, बड़ा लाइट वेट है। पोर्ट यहाँ से जो USB मिनी वाला एक पोर्ट होता है वो काफी डिफरेंट होता है, वो अलग से कहीं मिलता भी नहीं है। और अच्छी चीज ये है कि भाई इसी से चार्ज होगा और इसी से ये कनेक्ट होगा, तो इसमें पानी जाने की जितने कम पोर्ट उतना अच्छा है। उतना अच्छा है तो पानी जाने की दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो भाई ये आ गया है, अभी कितना चार्ज होगा, ये कुछ तो चार्जिंग होगी, होनी तो चाहिए, मैंने ध्यान नहीं है ना। तो चलो एक बार इसको देखते हैं लगा के क्या सिचुएशन है इसकी। हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है 36 नेटफोन और अभी पेयरिंग नहीं किया है किसी भी और सेम डिवाइस से, क्योंकि रुपेश भैया ने अभी अपना जो है अटैच नहीं किया था। तो अब जब वो अटैच कर लेंगे तो उनके बाद फिर एक बार फ़ोन पे ज़रा समझा जाएगा कि किस तरह चलेगा ये। तो फ़िलहाल तो ये है कि भाई कॉलिंग वाली जो इसमें वो है फैसिलिटी वो ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लियर साउंड आ रही है, गाने के साउंड क्लियर है। और सामने वाले का भी फीडबैक ये है कि उन्हें नहीं पता चल रहा है कि हम राइड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल किसी कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अभी देखिए सामने एक फ़ोन आ रहा है मुझे साकेत भाई का और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे ये कॉल दोबारा करनी पड़ेगी।